वाले। ये बताइएगा किसका माहौल है यहाँ पे? यहाँ साइकिल नंबर एक पर चल रहा है जौनपुर में। साइकिल? हाँ साइकिल नंबर एक पर साइकिल। ऐसा तो नहीं साइकिल में बाबू सिंह कुशवाहा? हाँ बाबू सिंह कुशवाहा ही जिताएंगे। हाँ यार साइकिल को बीजेपी को कभी जब तक जिया वोट देबा न करब एक। हाँ जब तक जिंदगी रही एक वोट दे ना सकी बीजेपी की जान ले। मौर्य लोग बीजेपी को वोट नहीं दे? नहीं नहीं एकदम नहीं। साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी। कितने की स्पीड से? अरे अब वही जो है ये 180 का एवरेज में जाएगी। बट वही है गठबंधन हो गया साइकिल तो एकदम 100% निकल गया। सब बताओ उनसे बोलो। भैया कह रहे कि सब मुसलमान भी साइकिल के थे। हाँ सब साइकिल के थे। बीजेपी वाले भूत झूठ बोलते हैं पक्का, चोर बेईमान सब। बाबू सिंह कुशवाहा झूठ में नहीं? ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अरे पूरी विश्वास है 99%। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है 24 के खेल के नए एपिसोड में। अभी हम जनपद जौनपुर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक गांव है बाजार चंबल तारा। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं मार्केट में और यहाँ पर आम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ का चुनावी माहौल क्या देखने को लग रहा है। यहाँ से क्या कमल खिलेगा या हाथी अपनी चाल को चलेगा या फिर साइकिल अपनी रफ्तार के हिसाब से चलेगी, वो सभी बातें करेंगे आम जनता से जानते हैं। नमस्ते दादा। हाँ क्या नाम है आपका? सुभाष चंद। अच्छा कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के रहने वाले हैं। ये बताइएगा किसका माहौल है यहाँ पे? यहाँ साइकिल नंबर एक पर चल रहा है जौनपुर में। साइकिल? हाँ साइकिल नंबर एक पर साइकिल। अच्छा पूरे शहर में जौनपुर जिला जो है साइकिल नंबर एक पर चल रहा है। साइकिल को क्यों पसंद कर रहे? अरे महंगाई भ्रष्टाचारी लीलगाय घर रोज बम फोरा सब खा रहा है। अच्छा। पांच बिस्सा बोए हैं उसको रात दिन रखा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, तो इसलिए साइकिल को दे रहे हैं। अच्छा, इसलिए साइकिल? हाँ एकदम साइकिल को। आपने कपड़े पहन रखे हैं जय गुरुदेव? हाँ जय गुरुदेव तो हैं, इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब मैं भूखमरी से मर रहा हूँ, घर रोज खा रहा है, तो हम वोट किसको दें? जो हमारा पेट भरेगा वही ने। ये घर रोज को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, तो मैं साइकिल को जिता रहा हूँ। अच्छा हाँ सर। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे साइकिल से आपने बात किया है, बाबू सिंह कुशवाहा चुनावी मैदान में है? हाँ हाँ नंबर एक पर जीत रहे हैं वह। नंबर एक पर? हाँ हाँ वह नंबर एक पर जीत रहे हैं। अच्छा। जौनपुर से हाथी से श्याम सिंह यादव हैं और कमल के फूल से कृपा शंकर हैं, सब नीचे चल रहे हैं उनसे अभी। हाँ पूरे यूपी में जो है सपा नंबर एक पर चल रही है। तो आपको लग रहा है कि बाबू सिंह कुशवाहा नंबर वन पे चल रहे हैं? हाँ हाँ नंबर एक पे चल रहे हैं। कुशवाहा को मैं यही तो बोल रहा हूँ, कुशवाहा को क्यों पसंद कर रहे हैं? अरे भाई महंगाई है हर बात है, अखिलेश है, कांग्रेस। हाथी को भी तो पसंद कर सकते हैं? अरे भाई जो हमारे दिमाग में है वही ना। अच्छा। हर चीज महंगाई से त्रस्त आदमी है। अच्छा। क्या करें, बीजेपी से खुश नहीं? नहीं हम बीजेपी से। अच्छा आपका क्या नाम है भैया? सुशील मौर्य। हाँ काम करिए आप। क्या नाम है? सुशील मौर्य। एक मिनट आपसे बात लेकर संभाल लेगा। अच्छा क्या नाम है? सुशील मौर्य। सुशील मौर्य हाँ जी। अच्छा किसका माहौल लग रहा है? साइकिल का लग रहा है। साइकिल का क्यों? साइकिल का महंगाई की वजह से साइकिल तो जिताएंगे, सस्ता ही आएगा। बताया जाता कि मौर्य वोट बीजेपी की तरफ जाता है, केशव प्रसाद मौर्य। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब गया तब गया, अब नहीं जाएगा। अच्छा आप साइकिल को क्यों दे रहे हैं? अरे साइकिल का भी पसंद है यार। साइकिल हमको पसंद है। साइकिल पसंद है जी? इसलिए? हाँ साइकिल पसंद है इसीलिए दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं साइकिल में बाबू सिंह कुशवाहा? हाँ बाबू सिंह कुशवाहा का ही जिताएंगे। क्यों भैया? हाँ यार साइकिल को बीजेपी को कभी जब तक जिया वोट देबा न करब एक। हाँ जब तक जिंदगी रही एक वोट दे ना सकी बीजेपी की जान ले। मौर्य लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं नहीं एकदम नहीं। अच्छा आपके तो डिप्टी सीएम बनाए गए। अरे दाल हैं सब बेकार हैं। बेकार हैं एकदम बेकार। अच्छा हाँ तो बेकार बता रहे? बेकार ही है ना, तभी तो बता रहे हैं ना भाई। अच्छा तो आपको क्या लग रहा है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल यही है, साइकिल जीत रही है। साइकिल जीत रही है। साइकिल एक प्यार एक लाख रुपये। एक लाख वोट? एक के पार। एक के पार? हाँ एक लाख से पार। एक लाख के पार। तो मौर्य यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर आप लोग वैसे मौर्य बोले जाते हैं, यहाँ की भाषा में भोजपुरी भाषा है, मौर्य कहते हैं यहाँ। मौर्य दोनों चलत है? दोनों चलत जी।
मोरिया की आबादी अगर पता की जाए तो कितनी है यहाँ पे? पौने 2 लाख। क्या कह रहे हैं? पौने 2 लाख सिटी में। यहाँ पे सिटी में पौने 2 लाख? जी। और पूरे जौनपुर की बात की जाए? पूरे जौनपुर, यही जौनपुर, हाँ, पौने 2 लाख है पूरा। पौने 2 लाख। जातीय समीकरण की बात की जाए तो बाबू सिंह कुशवाहा को कैसे फायदा होगा? अरे तो फायदा हो तो नहीं है, 2 लाख आबादी है सब जो है, मौर्या लोग जो है बाबू सिंह को ही दे रहे हैं तो फायदा ही है ना यार। अच्छा, तो 1 लाख वोट से जीतेंगे, साइकिल का बटन सब दबा रहे हैं। बहका वाला ना है यार, हाँ, मौर्या वोट नहीं बहकेगा ना, एक है ना, हाँ, मौर्या वोट बाबू सिंह कुशवाहा के पास ही जाएगा। हाँ, साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगी। कितने की स्पीड से? अरे अब वही जो है 180 का एवरेज में जाएगी। वो 180 बता रहे? नहीं नहीं 101। अच्छा, हाँ। आपका ये कारपेंटर का काम चलता है यहाँ? हाँ। कैसा चल रहा है? बढ़िया बढ़िया चलता है। हाँ, अच्छा, धंधा पानी ठीक है? मंदी तो नहीं है? ऐसा नहीं है कि लोग कम आ रहे हो? मिला जुला ठीक है, चला था मंदी ही है ना भाई, महंगाई है ना, इसीलिए तो साइकिल को भगा रहे हैं। अच्छा। 1 लाख वोट से धंधा जो था पहले वो धंधा नहीं है। अच्छा। हाँ, जो धंधा था पहले वो धंधा नहीं है। हाँ, ये बताइए बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में क्या कहेंगे? बाबू सिंह कुशवाहा अच्छे आदमी है यार, बढ़िया आदमी है, हाँ, बिरादर है हमारे। अच्छा। और क्या मतलब? नौकरी देंगे, उसके बाद झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ सब साले बीजेपी वाले भूत झूठ बोलते हैं, पक्का चोर बेईमान सब। बाबू सिंह कुशवाहा झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं। ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं? अरे पूरी विश्वास है, 99%। 99%? 1% कहाँ चला गया? अरे सही है, 99%। अच्छा, आपको विश्वास है कि बाबू सिंह कुशवाहा? हाँ, बाबू सिंह कुशवाहा हम लोग देंगे, जीतेंगे बाबू सिंह कुशवाहा। आप क्या कहेंगे भैया बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में? अब क्या कहे यार, बार बार एक कर बट गया हम कह रहे बाबू भैया बटना नहीं, जैसे भैया ने बताया, आप क्या कहेंगे? बटना नाम के और कहा, क्योंकि अब हम कहा कही यार। भैया आपका क्या नाम है? हम भी अवजिए नाम। रुक जाओ, खाली टाइटल से जिताना। अरे एक मिनट रुक जाओ, क्या नाम है? आठवीं सलमान। अच्छा, आपको क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल? बस वही है, गठबंधन हो गया, गठबंधन हो गया, साइकिल तो एकदम 100% निकलना। सब बताओ, उनसे बोलो क्या कह रहे भैया? कह रहे कि सब मुसलमान भी साइकिल के दे। अच्छा, हाँ, सब साइकिल पे दीजिए, मुसलमान वोट सब साइकिल, सब साइकिल पे नहीं जाएगा। क्या कांग्रेस पे को नहीं जा रहे, इस पे भाजपा पे, भाजपा पे नहीं जाएगा? गलती से ना जाइए, गलती से भी ना जाए। अच्छा, साइकिल मतलब आप लोग साइकिल की सवारी करें? बस बस। अच्छा, बाबू सिंह कुशवाहा है यहाँ से? यहाँ से है ना। हाँ, तो भाजपा किस लिए पसंद नहीं कर रहे आप? भाजपा के राज में क्या मिला है, सब खाली से पटरनिया तो मिली है। अच्छा। क्या मिला? खाली रोड पे पैसा लग रहा है, इधर लग रहा है, हम लोग का एक राशन कार्ड भी फ्री का ना खा रहे हैं। अच्छा। अपने पैसे खा रहे हैं तो राशन वगैरह नहीं दे रहे? कुछ नहीं, हमारे पास है ना कुछ। अच्छा, अब की बनवाएंगे, कोशिश करेंगे सरकार का, खाएंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी तक ना खा रहे। अच्छा अच्छा, कोई अरे यार 5 किलो राशन से का होई? 5 किलो राशन से का होई बताओ हमें? 2 बीघा खेत हमारे परती पड़ा हो, कुल लिलगैया बछवा पछिया भाड़ फाड़ फूल खा जाते हैं, बताओ क्या करी? कोनो उपाय सरकार कोनो देख रेख है के ऊपर जरा से ध्यान देते हैं? हैं, गौशाला खोले हैं, नंबर रोज मरत हैं। मतलब छोटे जानवर की आप बात कर रहे हैं तब? अच्छा, हाँ, खेतों में 2 बीघा खेत परती पड़ा है हमारे। हाँ। एक को मन दाना काटे ना है, बोए काट ना पाए। अच्छा। हाँ, मतलब काट नहीं पाए, समझे नहीं, आप भोजपुरी में बोल रहे हैं। बोए दाना खेते में, ओके। हाँ। काट ना पाए, पहले ही खा गए सब जानवर, सब खा जानवर पहले ही खा गए। हाँ, अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है फसल पूरी होने से पहले ही जानवर उसको खाइए ना। हाँ, तो आप लोगों का लग रहा है कि यहाँ बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी है? 100% गारंटी है, 100%। हाँ भैया, बाबू सिंह कुशवाहा ही जीतेंगे यहाँ से, 100% गारंटी है। 100% गारंटी, 100% गारंटी। ये आप वही जवाब दादा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे ऐसा भी होता है क्या जातीय समीकरण बनते हों? अरे जातीय क्या है, यहाँ नवयुवक जो है पेपर दे दे जाता है, लीक हो जाता है। अच्छा। ये सब तमाम ही समस्या है। अच्छा। नवयुवक के लिए एकदम शिकंजा कसा जा रहा है, तो कैसे नवयुवक
वोट देगा बीजेपी। बीजेपी पहले थे लेकिन अब नहीं, बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब बीजेपी का कोई काम नाम नहीं ले रहा। नहीं नहीं, बीजेपी हम लोग नहीं नाम ले। वो तो काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लड़े जहाँ लड़े थे, लेकिन यहाँ तो एकदम नाम नहीं ले रहा। यहाँ नाम नहीं ले रहा कोई। सपा का आपको ठीक लगा? साइकिल। हाँ, राहुल प्रधानमंत्री होंगे। राहुल प्रधानमंत्री? हाँ राहुल। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ का चुनावी माहौल, आपने जाना है। और यहाँ पर मौर्य समाज के लोग मौजूद थे, एक मुस्लिम भाई भी हैं और उन्होंने भी बातचीत की और बताया। तो कमेंट करके आपको बताना आपको क्या लग रहा है यहाँ का चुनावी माहौल। और आप लोग ये बताइएगा कि आपको यहाँ का सांसद चुनने को दिया जाए तो आप किसको चुनेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से हैं और श्याम सिंह यादव बहुजन समाज पार्टी से हैं। कृपा शंकर सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपको क्या लग रहा है कि जौनपुर की गद्दी कौन संभालेगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।